अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि हम डाटा किस तरह रिकवर करते हैं, किसी फ्लैश ड्राइव में डाटा, किसी कार्ड में और किसी हमारी ड्राइव का डाटा डिलीट हो चुका है, वो हम किस तरह रिकवर करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल अदनान हाशमी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ओपन करते हैं गूगल। गूगल में जो डाटा रिकवरी के लिए टूल यूज होता है वो है इजी रिकवरी के नाम से, है इजी डाटा रिकवरी के नाम से टूल है। ये फ्री डाटा रिकवरी का टूल है जो आप यूज कर सकते हैं। इससे आप किसी सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करके आप इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करके तो आप इसके ज़रिए किसी भी कार्ड, किसी भी ड्राइव या किसी भी फ्लैश ड्राइव में डाटा रिकवर कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल कर लिया हुआ है। अब मैं इसे ओपन करूँगा और आपको बताऊँगा कि डाटा किस तरह रिकवर करते हैं। कैंसिल कर दो। मैंने 9 इंस्टॉल किया हुआ है, अब जो है 11 आ चुका है, 11.8 आ चुका है। आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे ऑप्शन आ रही हैं कि आपने ग्राफिक्स यानी कि पिक्चर वगैरह आपकी डिलीट हुई हैं। आप इसमें ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके सिर्फ ऑडियो डिलीट हुई हैं, वो ऑडियो आप रिकवर करना चाहते हैं, आपकी वीडियोज रिकवर करना चाह रहे हैं, आपकी ईमेल जो है वो आउटलुक एक्सप्रेस की जो फाइल्स है वो रिकवर करना चाह रहे हैं, या डॉक्यूमेंट्स आपके पीडीएफ वर्ड या एक्सेल की फाइल्स है वो डिलीट हो चुकी हैं वो आप रिकवर करना चाह रहे हैं, या आपकी पिक्चर रिमूव हो चुकी है वो रिकवर करना चाह रहे हैं। अगर आप ये सब कुछ रिकवर करना चाह रहे हैं, सारा डाटा रिकवर करना चाह रहे हैं, तो ऑल टाइप ऑफ टाइप्स पे क्लिक कर लें और नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे ड्राइव शो करा रहा है। आप ड्राइव इसमें से डिलीट हुआ है, जी ड्राइव में से, सी ड्राइव में से डिलीट हुआ है डाटा, तो आप उसको सिलेक्ट कर लें। अगर फर्ज करें आपका कार्ड है तो कार्ड आप लगाएंगे यहाँ पे तो कार्ड शो हो जाएगा, या यूएसबी है तो यूएसबी लगाएंगे तो वो शो हो जाएगी। आप नेक्स्ट करेंगे तो स्कैन की ऑप्शन आ जाएगी। ये स्कैन करेगा, काफ़ी देर लगाएगा और ये स्कैन कर लेगा। ये देखें जैसे ये रिकवर कर रहा है, यानी कि ये हमारे पास सारा डाटा जो है वो रिकवर कर लेगा। हम नेक्स्ट करेंगे, ये इसने नॉर्मल स्कैन किया। अगर आप इस पर डीप स्कैन पे, फर्ज करें आपका डाटा रिकवर नहीं हुआ, नॉर्मल स्कैन पे आपका डाटा रिकवर नहीं हुआ, तो आप इस पर डीप स्कैन पे क्लिक कर लें। वो डीप स्कैन पे काफ़ी देर लगाएगा, 2-3 घंटे लगाएगा। अगर आपकी ड्राइव बड़ी है, अगर छोटी है तो हो सकता है आधा घंटा 15 मिनट में भी स्कैन कर लें। तो वो स्कैन करके आपको फाइल शो कराएगा, आप उसमें से फाइल सर्च करें जो मतलूबा फाइल है। मैं इसको स्टॉप करता हूँ। मतलूबा फाइल आपने सर्च की, फर्ज करें आपने जो सर्च की उसने ये फाइल सर्च कर ली, लॉस फाइल है आपके पास, ये फाइलें उसने सर्च कर ली, तो आप इसको चेक कर लें कौन सी फाइल आपको मतलूबा फाइल है, उसका नेम शो हो रहा है, जो भी कैमरे की पिक्चर्स हैं आपने डिलीट किए हैं वो रिकवर करना चाह रहे हैं, उस पर क्लिक कर लें। आप रिकवर की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो पाथ पूछेगा आपने कहाँ सेव करनी है। आपने सेव हमेशा वही ड्राइव सेलेक्ट करनी है जिस पे आपने डाटा सेव रिकवर नहीं कर रहे। फर्ज करें आप डी ड्राइव का डाटा रिकवर कर रहे हैं तो आप सी ड्राइव में डाटा सेव उसका पाथ देंगे। अगर आप सी ड्राइव का डाटा रिकवर कर रहे हैं तो आप डी ड्राइव का उसको पाथ देंगे। वो वाली ड्राइव नहीं देनी जिसका आप डाटा रिकवर कर रहे हैं, वो वाला पाथ नहीं देना। सी में कोई फोल्डर बना लें एफ के नाम का, या कोई भी आपने डाटा रिकवरी के नाम का सॉफ्टवेयर बना के उधर सेव करें और आपकी सारी फाइल्स जो हैं रिकवर हुई फाइल वो वहाँ पर आ जाएंगी और आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने सीखा
कि हम किस तरह डाटा रिकवर कर सकते हैं, हम किसी भी यूएसबी का और हार्ड डिस्क का हम डाटा रिकवर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।